अज़ली के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कुन तो मौला हो फ़ालीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। और यहाँ मौला से मुराद दोस्त नहीं है, ये हम दोस्त का तर्जमा करते हैं, आका सरदार, जिसका मैं सरदार हूँ अली उसके सरदार हैं। इसके पीछे एक काफ़ी पस मंज़र में बहुत सी चीज़ें हैं, उनकी सफाई करने के लिए मेरे नबी ने गदीर खुम पर यह हदीस बयान फरमाई खुतबे में कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो ये चंद दिन पहले मुझे ख़्याल आया कि हमें हज़रत अली नहीं कहना चाहिए, हमें मौला अली कहना चाहिए, कि मेरे नबी हमें उनको हमारा मौला बना के गए हैं। हम समझते हैं सिर्फ ये शिया कहते हैं मौला अली, वो सही कहते हैं, मन कुन तो मौला हो फली मौला हो। आप सबके चेहरों पे मैं हैरानी देख रहा हूँ, हालांकि मैं आपको सही हदीस पेश कर रहा हूँ, मन कुन तो मौला हो फालीन मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। तो मैं अब हज़रत अली नहीं कहता, मैं कहता हूँ मौला अली, कि उनका हक है। जैसे हर सहाबी की बाज़ खसूसियात हैं जो दूसरे में नहीं। आपने अबू बकर सबसे बड़ी हस्ती हैं सहाबा में, उनको नहीं, आपने कहा कि तू जन्नत में मेरे आगे आगे चलता है। बिलाल को कहा, क्या बात है, जब जन्नत में जाता हूँ मुझसे आगे आगे चलता नज़र आता है, जुज़वी फजीलत। सारे लोग पैदल चलेंगे, मैं बुर्राक पे चलूँगा, मेरे नबी ने फरमाया, और बिलाल मेरे आगे सुर्ख ऊँटनी पे बैठ के चलेगा, ये जुज़वी फजीलत। जन्नत में जाने लगूँगा तो जन्नत की सवारी की लगाम ऐसे नीचे गिरेगी, नीचे गिरने का मतलब है कोई ड्राइवर आएगा, कोचवान आएगा जो चलाएगा, तो बिलाल हबशी को ये रस्सी पकड़ाई जाएगी। तो इस तरह ये जुज़वी फ़ज़ाइल किसी के किसी तरह है, किसी के किसी तरह हैं। तो मुझे ख़्याल है कि हम अहलुल बैत के हक में बड़ी कोताही करते, बहुत कोताही करते, हम अल्लाह के नबी की औलाद के तस्करे नहीं करते, इससे उनसे मोहब्बत की गर्मी भी नहीं पैदा होती। हम तो मेरी औलाद की बुराइयां मेरे सामने शुरू कर दो तो तुम मुझे अच्छे लगोगे, और मेरे सामने आकर मेरी औलाद की तुम तारीफ़ शुरू कर दो, चाहे मुझे पता भी हो झूठी तारीफ़ करना, तो भी मेरा दिल खुश हो जाएगा। तो हमने ना अल्लाह के नबी के घराने के बारे में बहुत कोताही की है, बहुत कोताही की। तो मैं तुम्हें सुनते रहते हो, मेरे हर बयान में अहले बैत का तस्करा होता, और ये मेरा ईमान है कि ये मेरी बख्शिश का बहुत बड़ा वसीला है, अगर अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। रियाकारी में मरदूद हो गया तो वो तो अलग बात है, और जो उसका हर फैसला हक है, लेकिन अगर मेरे अल्लाह ने कबूल फरमाया तो मेरे बयानों में मेरी सबसे बड़ी मता मेरे नबी के घर का तस्करा है। मैं उसे अंदर की मोहब्बत से भर के करता हूँ, और अपनी कोताही पर और उम्मत की कोताही पर इस्तग़फ़ार करता हूँ कि हमने अपने नबी की औलाद भुलाना तो क्या है, 60 साल में क्या कर दिया, ज़बह करके रख दी। मुझे हैरत होती है कि नबी का नवासा हो और इधर सारे नामुराद सुअर किस्म के इंसान हों, और फिर उनके पीछे लग के नबी के नवासे को ज़बह कर दिया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। शायद अल्लाह उनके आली शान मकाम तय कर चुका था, जब वो सब साथियों ने कहा ना कि अब वापस चलें, वहाँ इब्ने ज़ियाद आ चुका है, वापस चलें, तो फरमाया कि नहीं मुझे जाना है। उनका तुम मौत देख रहे हो, क्यों जा रहे हो? कहा मुझे मेरे अल्लाह के नबी ख्वाब में मिले हैं,
उन्होंने मुझे कुछ बात फरमाई है, लिहाजा मुझे जाना ही जाना है।